हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर थ्री। और लेक्चर थ्री में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले लिगेंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, तो न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर, ये सभी, इन पर चार्ज कितना है? जीरो, मतलब न्यूट्रल है। एनओ कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन C6H6, या फिर फॉस्फीन PS3, या फिर पिरिडिन PY जिसको हम लिखते हैं, या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH होल थ्राइस। ओके, देन NH3 अमोनिया, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। EN इथिलीन डायमीन, जिसका मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, CH2 CH2, NH2 NH2। ओके, तो नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं टू मेटल M, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए EN ने। अब देखते हैं कैटाइनिक लिगेंड्स। कैटाइनिक लिगेंड्स के कुछ वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव। ओके, तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ओके, NO पॉजिटिव, ये भी एक न्यू कैटाइनिक लिगेंड है। देन हम देखते हैं एनायनिक लिगेंड। ओके, तो एनायनिक लिगेंड में ये आप देख सकते हो काफी सारे एग्जाम्पल है, Cl-F-, Cn-, S-सल्फाइड, SO42- सल्फेट, ऑक्सेलेट आयन। ओके, चलिए ऑक्सेलेट आयन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो C2O42- होता है, और स्ट्रक्चर देखें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बेयरिंग ऑक्सीजन है ये यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं डायमिथाइल ग्लायोक्सिम, DMG जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, तो डायमिथाइल ग्लायोक्सिम, ओके, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर CH3 C, यहाँ पर सी देन CH3। ओके, देन डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड एन ओ एच। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डायमिथाइल ग्लायोक्सिन। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे डोनेट करता है, तो देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पेयर जो है ये इस तरह से मेटल को डोनेट कर देता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट लिगेंड ग्लाइसिनेटो। ओके, Gl-, ये भी एक एनायनिक लिगेंड है लाइक DMG। तो यहाँ पे देख सकते हो आप CH2 NH2 और सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, यहाँ पर मेटल है M, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ओके, शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, AC AC-। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ AC AC- एसिटाइल एसीटोनेट। तो देखिए CH3 CO-, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3। और यहाँ पर देख सकते हो आप मेटल को किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे ये आप देख सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है NO2-, ये भी एक एनायनिक लिगेंड है। ओके, चलिए अब देखिए हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर CuCN4-, अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कॉपर का, तो एक्स मान लेते हैं साइनाइड का, हमने अभी देखा -1 होता है, तो X+4 × -1, और इसको इक्वेट कर देंगे 2- से, तो एक्स आ जाएगा हमारा +2। ओके, एक्स क्या आ जाएगा, +2। ओके, देन K3Fe C2O4 होल थ्राइस। ओके, इसका निकालना है, तो देखिए जो पोटेशियम होता है इस पर हमेशा क्या होता है, +1 चार्ज। ओके, और आयरन पर अगर हम मान लें एक्स है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन पर कितना है, एक्स है, ठीक है। और ऑक्सीलेट की अगर हम बात करें तो इस पर होता है -2। तो देखिए +3, तीन पोटेशियम की वजह से, एक्स आयरन की वजह से, और ऑक्सीलेट पर अभी हमने देखा था -2 होता है, तो × 3। तो यहाँ पर इक्वेट आप किससे कर दोगे, जीरो से, तो एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +3। ओके, चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, Ni निकेल का। ओके, तो Ni NH3 6 +2। ओके, अब देखिए यहां पर हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हमने, अभी हमने देखा था कि अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। ओके, तो NH3 पर कितना होगा, जीरो। चलिए तो देखिए ये रहा जीरो, एक्स मान लेते हैं निकेल का,
एक्स प्लस सिक्स इंटू जीरो, इसको इक्विट कर देंगे प्लस टू से, तो एक्स हो जाएगा हमारा प्लस टू। ओके चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, NiCl2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होल ट्वाइस। ओके अब देखिए यहां पर अगर हम मान लें इसको x, ओके, और क्लोरीन को हम देख सकते हैं माइनस वन इंटू टू, ओके, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अभी हमने देखा था कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, ओके, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि दो है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो इंटू टू करा। अब देखिए ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कोई भी चार्ज नहीं है, ओके, तो न्यूट्रल है ये, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो से। ओके तो आप यहां पर चेक कर सकते हो एक्स आ जाएगा प्लस टू।